मैं खाने वाली हूँ दिन और रात, सुबह और शाम, सारा का सारा खाना सिर्फ 10 रुपए में। भिकारन बहन की लोड़। Living on 10 rupees for 24 hours challenge, food challenge. Okay, ठीक है, ठीक है, okay. मैं इस एक वीडियो को एक ऐसे एक ट्यूटोरियल वीडियो जैसा देखना पसंद करूंगा, बिकॉज यू नेवर नो, मैं कुछ सीख सकता हूँ इससे, यू नो, और हो सकता है मुझे I might need it in the future. टडंग टडंग टडंग, आज का बजट बहुत बहुत कम है. ठीक है, मतलब 10 रुपए में पूरे दिन भर का खाना मिलना मुश्किल है. ओके, लेट्स सी हाउ शी डज इट. आज का चैलेंज बहुत डिफिकल्ट है, इसलिए सबसे पहले मैं आ गई हूँ गणपति जी के दर्शन करने. और या स्पॉइलर अलर्ट, ये दर्शन ही से प्रसाद लेने आई है. यू वोंट बिलीव गाइस, गणपति जी ने मेरी सुन ली और मेरा ब्रेकफास्ट सॉर्टेड हो गया. हाँ हाँ हाँ, गणपति जी ने सुन ली, लेकिन ऐसे सामने से ऐसा बोला नहीं गया कि बेटा दान पेटी रखी है, इससे 100 की पत्ती निकाल ले, इससे चैलेंज कर लेना अपना. चलता है अपना, अपने बीच तो चलता है, सेम फीसिस है. प्रियंका जी, आई एम सॉरी, मैं मजाक कर रहा था. मैं सिर्फ मजाक. आई हैव मेड अ सीवियर एंड कंटिन्यूअस लैप्स इन माय जजमेंट एंड आई डू नॉट एक्सपेक्ट टू बी फॉरगिवन. आई एम सिंपली हियर टू अपोलोजाइज. प्रियंका जी सॉरी, आप भी तिवारी, मैं भी तिवारी, सॉरी. ये बड़ा सारा लड्डू प्रसाद में देख रहे हो? ओह माय गॉड, बहुत बड़ा है भाई. इट्स लंच टाइम गाइस, और लंच खाने के लिए ना मैंने इतनी देर से यहाँ पे मशक्कत कर रही हूँ, बट कुछ भी मेरे बजट में नहीं आ रहा है. हाँ, 10 रुपए में यहाँ पे कुछ मिलना काफी मुश्किल होगा. मतलब मैं भी काफी क्यूरियस हूँ कि अब क्या करती हैं प्रियंका जी आगे. वैसे एक आइडिया है मेरे पास. हाँ? चलिए देखते हैं कि मैं. ओह ग्रेट, मतलब है इन पे कुछ आइडिया है, सही सा देखते हैं. मैं आ गई हूँ अपने अंकल के फार्म हाउस पे. हो हाँ, मतलब अगर तुम्हारे पास खाने के लिए पैसे ना हो तो तुम अपने अंकल के 100 एकड़ के फार्म में जा सकते हो. यस, मैं अगली बार मेरे को कोई भी भूखा नंगा गरीब दिख रहा है, मैं तो उसको यही पूछने वाला हूँ कि भाई तू अपने चाचा के 100 एकड़ के खेत में क्यों नहीं चला जाता यार. नहीं, मैं उससे अच्छा मैं काम करता हूँ, मैं भूखा मर जाता हूँ. मेरा टाइम आ गया है, मुझे मेरे साईनाथ बुला रहे हैं, मैं चलता हूँ. मैं धन्यवाद, आप बहुत भले आदमी हैं, आप चलता हूँ. यहाँ से निकालते हैं फ्रेश फ्रेश सब्जियाँ और जरा खाते हैं. ये देखिए क्या क्या लगी है. अरे बाप रे, गड़बड़ ना हो जाए कहाँ भैया, मुझे तो आती नहीं गोभी. मूत निकल गई गोभी की. माय जोक्स आर गेटिंग बेटर. तुम्हें भी लगता है ना माय. अरे बहुत बड़ी है मूली. मुझे तो नहीं लगता कि भगवान ने ये वाली मूली खाने के लिए बनाई होगी. आई थिंक इट हैज़ अ डिफरेंट पर्पस. प्रियंका जी, आप मुझे दे सकती हैं मूली अगर आपको नहीं खानी हो तो. ये क्या गजब की मूली निकाली है, आज तो बड़ा मजा आने वाला. ये देख, मैंने कुछ नहीं बोला. क्या गजब की मूली निकाली है, आज तो बड़ा मजा आने वाला. एक बार फिर से, आई मेड अ सीवियर कंटिन्यूअस एंड लैप्स इन माय जजमेंट एंड. ये देखो, इतना बड़ा नींबू देखा है कभी आपने? वैसे मौसमी नहीं है ये नींबू है. सो गाइस, बड़ी मेहनत करने के बाद मैंने तैयार कर ली अपनी सैलेड. ये देखिए देखिए, देख रहे हैं कितनी बढ़िया सुंदर डेकोरेट करी है ये बड़े वाले लेमन के साथ. ओके, तो इसने मूली ली और उसके ऊपर पत्ता गोभी डाली और फिर वो एक स्लाइस मौसमी का, वो मौसमी है, चूतिया किसको बना रही है. अगर इसने ये पूरा खाया होगा, मैं इसकी चलती हुई BMW के सामने आने के लिए तैयार हूँ. ये सैलेड बहुत ही बढ़िया, जो फ्रेश तरकारी होती है ना, इतनी जूसी होती है कि सचमुच इतनी जूसी होती है. इसने अपनी गाड़ी में घुस के भगवान जाने क्या क्या ठूसा होगा. ये झूठ बोलिए. ओ हाँ, स्नैक टाइम ना हो, ये अब 10 रुपए के बजट में स्नैक भी कर रही है. हाँ, वैसे अंकल के फार्म हाउस में ना बड़ी सारी वेजिटेबल्स लगी थी, बड़ा मजा आया, बट यहाँ मेरे गार्डन में ना मुझे सिर्फ और सिर्फ घास ही घास दिख रही है. हाँ घास, मतलब आई डोंट सी अ प्रॉब्लम, नॉर्मली यही पसंद होता है गाय भैंसों को. आई एम सॉरी प्रियंका जी, मैं आपके पैर छूता हूँ, सॉरी. मैं तो कुत्ता हूँ, एक मैं नाली का कुत्ता हूँ, आप तो फिर भी कुत्ता हूँ मैं सही में. चलिए भाई, आप बारी आ गई से काटने की. अरे बाप रे, छुरी से भी बड़ी दम लग रही है. हाँ, क्योंकि वो कच्चा है प्रियंका जी. ओहो, ये तो सच्ची कच्चा है, पर ये थोड़ा सा खाती हूँ वैसे मैं.
गाइस ये बिल्कुल पीक है, बिल्कुल हो, पीक। कोई बात नहीं, अब घास चल ले। सॉरी, इट्स डिनर टाइम गाइस, और डिनर करने के लिए भाई ओके ठीक है, डिनर टाइम, थैंक गॉड। मुझे नहीं देखना। ओके, तो एंड में प्रियंका जी आती है एक होटल में और वहाँ पे वो खाना मंगाती है, और फिर जब पैसे देने की बारी आती है तब उनके पास पैसे नहीं रहते, ऑब्वियसली 10 रुपए ही हैं। क्या 10 रुपए? ये भी आप ही रख लो। भैया कहीं आप हमसे बर्तन तो नहीं धुलवाओगे? नहीं, तू बर्तन भी खा जाएगी। ये भैया कितने स्वीट है, मुझसे बर्तन नहीं धुलवाएंगे, और तो और मेरे 10 रुपए भी नहीं लिए। भाई ये मैं कर सकती हूँ, ये आप नहीं कर सकते, पता है क्यों? क्योंकि ये जो रेस्टोरेंट है ना, मेरे फैमिली फ्रेंड का है। मैं ये जिस इनके फैमिली फ्रेंड ने प्रमोशन करवाया है अपने होटल का, तू भोसड़ी के अब अपने खुद के होटल में कभी खाना खा पाएगा? I'm just kidding guys, मैं मतलब ऐसा कुछ बस मजाक कर रहा था इस पूरी वीडियो में। एवरीथिंग सेड इन द वीडियो बस एक मजाक था। अब प्रियंका तिवारी, मैं भी तिवारी, आई होप मतलब चल जाएगा अपना।